भाई यहाँ कुछ नहीं मिल रहा, बस टाइम वेस्ट हो रहा है हमारा। मेरे दोस्त का कॉल था, कह रहा है ये नंबर ट्रैक नहीं हो पा रहा, इस नंबर की लोकेशन। अब से कोई क्लू नहीं मिलेगा, बचा लो अगर बचा सकते हो अपने दोस्तों को। इसलिए बोल रहा था मैं छुपन छुपाई खेलते हैं, हमेशा मैं ही फंसता हूँ। चल अब बता, ट्रुथ या डेयर? ट्रुथ। अरे फिर तो मैं पूछूंगा एक क्वेश्चन, चल बता तू अपनी बंदी और मानो मेरी बंदी तो है ही नहीं, ये क्वेश्चन ही गलत है। अबे मान ले तेरी बंदी है, तो तुझे अपनी बंदी और अपने दोस्त गर्वित और मानो में से किसी एक को चूज करना है, तो तू किसे चूज करेगा? साले जो बंदी है ही नहीं उसके लिए तेरे को इतना सोचना पड़ रहा है? अरे मैं तो बस ये सोच रहा था मेरी बंदी दिखने में कैसी होगी, और बात रही चूज करने की तो ऑफकोर्स यार तुम दोनों को ही चूज करूंगा, इसमें भी क्या कोई शक है तुम्हें? नहीं नहीं बेटे कोई शक नहीं है। अबे ड्रामा बंद करो, गेम आगे बढ़ाते हैं। हाँ बता, ट्रुथ या डेयर? डेयर विल चूज मी। ओए अंग्रेजी मीडियम, तू हिंदी में बोला कर। लेकिन यार क्या इंग्लिश है मानव की, वाह। थैंक यू थैंक यू। चल मानव तू 20 पुशअप मार के दिखा। अबे ओ वो फिटनेस फ्रीक है, 20 क्या वो 50 पुशअप मार देगा और फिर तेरी। हाँ भाई समझ गया, वो समझ गया। तू बार बार इमोशनल क्यों जाता है, समझा यार इसको मानव। मेरे पास ना एक डेयर है, तू गर्वित को 3 थप्पड़ मार कस कस के काले से लाल हो जाने चाहिए। थप्पड़ तो चल ठीक है, लेकिन काले से लाल कैसे होगा, ये तो इम्पॉसिबल है, देख कितना काला है वो। मानव तू रहने दे, ये डेयर ना मैं करता हूँ और देव से करता हूँ, फिर इसे पता चलेगा कि लाल कैसे होता है। अरे ठीक है समझ गया मैं। मानव तू कंटिन्यू कर। क्या कंटिन्यू कर, मैं नहीं मारूंगा थप्पड़। तू ही तो है मेरा भाई, बाकी सब तो दिखावा करते हैं। ये क्या बात है यार, डेयर है करना तो पड़ेगा, या तो उसको मार या खुदको मार। अब तो गया तू। इसे कहते हैं दोस्त, कुछ सीखो तुम सब। अरे यार मैं तो बस मजाक कर रहा था। अबे हम भी मजाक ही कर रहे थे। फिर तुम लोगों का गेम कंटिन्यू करें। ट्रुथ या डेयर? ट्रुथ। सच सच बताइयो तू, मस्टरबेट करते हुए तेरे को खांसी आती होगी ना, वो सब देख के तू घबरा जाता होगा। तेरे पास तो है ही नहीं दो हड्डी। अरे औकात में रहकर बोला कर, वरना बेटा इतना मारूंगा तू यही हक देगा। जाना नपुंसक, तेरी क्या औकात है, तू तनिमे को मारेगा। अब अगर तूने एक और शब्द बोला ना बेटा, मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। कंट्रोल गाइस कंट्रोल, इसमें झगड़ने की क्या बात है, अब हमें कुछ और खेलना चाहिए। अबे अब कितना खेलोगे, अब कुछ पीते हैं। वो चूती है, एप्पी है वो, बॉटल तो सिर्फ फिल लाने के लिए था यार। अरे अच्छा, मैं तो खामोखा भगवान से माफी मांग रहा था। साला ढोंगी, दारू पेगा, औकात है तेरी दारू पीने की? तुझे हर बात में उंगली करना जरूरी है क्या? हाँ जरूरी है, क्या कर लेगा दिखाओ भी, क्या कर लूंगा। क्या खा के आए हो तुम दोनों, बात बात पे झगड़ा? बैठो यार शांति से, मीटअप खराब मत करो। हेलो अभी कल नहीं हो सकता? चलो ठीक है मैं आता हूँ। यार मेरे को निकलना पड़ेगा, थोड़ा अर्जेंट काम आ गया। भाई अभी क्यों जा रहा, पूरी रात मजे करने थे। भाई मैं कल कॉल करता हूँ, अभी थोड़ा अर्जेंट है। मैं ड्रॉप कर दूँ या चला जाएगा अपनी टमटम से? कोई जरूरत नहीं है, मेरी टमटम ये बेस्ट है, मैं चला जाऊंगा।
तो नंबर ट्रैक करवाए जा रहे हैं। ये चूतिया पर नहीं करना चाहिए था। अब इस चूतिया पे की कीमत तो चुकानी पड़ेगी। अब से कोई क्लू नहीं मिलेगा। बचा लो अगर बचा सकते हो अपने दोस्तों को। माना फोन दे मुझे, पहले बता किसे कॉल कर रहा था। मैं मरना नहीं चाहता, मैं पुलिस को सब कुछ बता रहा हूँ, तू फोन दे मुझे। तू तो ऐसी बातें मत कर, तू फोन दे ना मुझे। तू होश में है? जब हमने उसका नंबर ट्रैक करना चाहा तो उसने हमें क्लू देना बंद कर दिया। अब तू पुलिस को कॉल करेगा तो हमारे साथ क्या क्या कर सकता है, तुझे इस बात का अंदाजा भी है? मार देगा वो हम सबको। जब तक हम साथ हैं तब तक कुछ नहीं होगा हमें। आदित्य को उसके गोडाउन में और कार्तिक को उसी के घर में मारा, तो इसका मतलब वो सबको उनसे जुड़ी हुई जगहों पर ही मार रहा है। आज कौन सा डे है? संडे। संडे है तो इसका मतलब अमन और तन्मय भी घर पर ही होंगे। तू अमन को फोन लगा और तू तन्मय को। हेलो अमन, घर पे है ना तू? हाँ भाई। सारी खिड़कियां और दरवाजे बंद कर ले और थोड़ा चौकन्ना रहियो, मैं आ रहा हूँ तुझे लेने। अरे भाई हुआ क्या? भाई तन्मय फोन नहीं उठा रहा है, कहीं अगला भाई तो नहीं है? हमें उसे घर चलना चाहिए। लॉक है यारी। तो आवाज तो अंदर से ही आ रही है। दया तोड़ दे दरवाजा। गर्वेद उसका फोन तो यही है, अब पक्का अगला भाई है। अब क्या करें हम? हमें पहले अमन को साथ में लेना चाहिए। तन्मय ये सब क्या है तन्मय? और तू क्या कर रहा है यहाँ पे? क्या हुआ यहाँ पे और अमन कहाँ है? मादरचोद, तू था इन सब के पीछे, तूने मारा सबको। इतने सालों की दोस्ती तूने ऐसे निभाई, दिल से दोस्त माना था इसे, मार दिया ना अमन को। बोल अमन कहाँ है? भैंचोद तू बोल अमन कहाँ है? बोल बोल। तू पागल हो गया क्या? पहले बात तो करने दो उससे। अब बात करने को बचा क्या है? तन्मय तू बताएगा यार क्या कर रहा था? तन्मय 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 क्या हुआ गर्वित? क्या हुआ? जान से मार दिया तूने उसे? जानबूझकर नहीं मारा मैंने, लेकिन मर तो गया ना वो। अच्छा हुआ मर गया, इसने जो हमारे साथ किया है उसके लिए तो मौत भी कम है। लेकिन क्या पता उसने ना मारा हो। हम सबने देखा यहाँ की क्या हालत थी, और उसके हाथ में चाकू भी। और तुझे याद नहीं उस दिन गर्वित के जाने के बाद क्या हुआ था? किससे लड़ता है तू? चूतिया है वो। ओ हकले, चूतिया किसको बोला मादर? गाली किसको दिया रे तू?
साले तुझे जान से मार दूंगा एक दिन, और रख ले तू, इसके साथ दोबारा दिखाना पहले तुझे मारूंगा। मुझे यकीन नहीं हो रहा ये सब इसने किया था। अब यहाँ जो हुआ है वो बस हम तीनों को पता है, और ये बात बस हम तीनों के बीच ही रहनी चाहिए। अब इसको ठिकाने लगाते हैं और देखते हैं क्या करना है। थैंक यू, तुम सबने तो मेरा काम और आसान कर दिया अपने दोस्त को मार के। मैंने भी तुम्हारा काम और आसान कर दिया पुलिस को इन्फॉर्म करके। गुड लक गाइस, जीना यहाँ मरना यहाँ। तो कैसा लगा आप सबको हमारा ये एपिसोड? इस वीडियो में जो भी बेस्ट पार्ट लगा प्लीज उसे जरूर कमेंट करिए, और हाँ लाइक करना बिल्कुल ना भूले, सब्सक्राइब करें, दबा के शेयर करें। इम्तिहान का अगला एपिसोड हम पूरी कोशिश करेंगे कि अगले हफ्ते ले आए, और इस वीडियो को जितनी ज्यादा हो सके उतनी ज्यादा शेयर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।